वंदित सर्व सिद्धे धूमचल मनोभवम गयिं पत्ते होच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुय केवली भणियम। महान भाव समय सार ग्रंथराज सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार और गाथा 339 श्री कुंद देव करुणा रस से प्रावित होकर हृदय में जिनके करुणा का स्रोत उमड़ रहा है ऐसे महान आचार्य कहते हैं, नव कुबदि नव वेददि नानी कम्मा इव उपया राही जानदि पुनस्कम फलम बंधम पुण्यम च पापम च। महानुभाव ज्ञानी महामुनि जीव ऐसे ज्ञानी जीव बहुत प्रकार के कर्मों को न तो करता है और न भोगता ही है, न उसके कर्ता होते हैं न भोगता होते हैं, नाना प्रकार के कर्मों के न तो करता है न भोगता है। जानदि पुनः कम फलम मात्र वो पुनः बंध को कर्म के फल को बंध को पुण्य पाप को तथा कर्म के फलों को जानते मात्र हैं, ज्ञाता दृष्टा बने रहते हैं। कर्म आया है जाएगा, फल देगा जाएगा, इसका स्वभाव है। मेहमान आया है चला जाएगा। तीन गुप्ति से गुप्त मुनि पर के आलंबन विरहित नाना कर्मों में कर्ता भोक्तापन भावादि रहित निज शुद्धात्म भावनामृत से तृप्त हुआ वे ज्ञाता कर्म बंध कर्मों का फल और पाप पुण्य का ज्ञाता। तीन गुप्ति से गुप्त जो महामुनि है, तीन गुप्ति परम समाधि में निरकर ध्यान में ही होती है, ऐसे मुनि पर के अवलंबन से रहित हैं, नाना कर्मों के कर्ता भोक्ता अभावादि से रहित हैं, अपनी चिन्मय ज्योति सुर भगवान आत्मा उसकी भावना में तन्मय है, लीन है, निरकर ध्यान में लीन है, ऐसे महामुनि उसी में तृप्त कर्मबंध के और कर्मों के फल कर्मबंध और उसका फल आदि और पुण्य और पाप मात्र इसके ज्ञाता रहते हैं। बात यही है, आगे स्वयं आचार्य देव पुनः बताते हैं, दिट्ठी स्वयं पिनानम अकार्यम तह अवेदयम चेव जानदि यबंध मोक्षम कमोदयम निजरम चेव। दृष्टि जैसे अपनी दृष्टि अपना नेत्र अपनी चक्षु इंद्री किसी भी चीज़ को देखती है, आँख से आपने देखा बहुत दूर सामने कहीं आग लगी है अथवा कहीं बहुत जोर से बारिश हो रही है, तो आपके आँख में न तो अग्नि के कण आते हैं और न पानी के कण आते हैं, दूर से आप देख रहे हैं। उसी प्रकार से ये कितना सुंदर उदाहरण दिया है आचार्य श्री अमृतचंद सूरी, इसकी टीका में भी कहते हैं कि दृष्टि नेत्र ये जो है दृश्यमान पदार्थों को देखते हुए उसमें तन्मय नहीं होती है, उसी प्रकार से ज्ञानी आत्मा ज्ञानी महामुनि ज्ञानी महासाधु कर्म के उदय को देख करके समझ करके जान करके उसमें तन्मय नहीं होते हैं, उसमें सुखी दुखी सुख और दुख का अनुभव नहीं करते हैं, वेदन नहीं करते हैं, तभी कर्म का फल आया उदय में आया कर्म का फल और वो अपना फल न दे करके निर्जीर्ण हो जाता है, कर्म का उदय निर्जीर्ण हो जाता है, झड़ जाता है, आत्मा से पृथक हो जाता है, ये वस्तु व्यवस्था। गाथा 340 का पद्यानुवाद, जैसे नेतेंद्रिय निज ज्ञेय पदार्थों को लगता है लेकिन उन ज्ञेयों का कर्ता भोक्ता नहीं बनता है, शुद्ध ज्ञान वैसे ही बंध व मोक्ष निर्जरा जाने कर्मों देकर समझ न निज को कर्ता भोक्ता माने। जिस प्रकार से नेत्र जो है वो अपने ज्ञेय पदार्थ को अपने देखने के पदार्थों को देखता है लेकिन उन ज्ञेयों का कर्ता भोक्ता नहीं बनता, उसमें तन्मय नहीं होता है, नहीं तो आँख जल जाए अग्नि को देखने में। शुद्ध ज्ञान वैसे ही शुद्ध ज्ञान बंध व मोक्ष निर्जरा को जानता है, ये कर्म का बंध है, ये कर्म का उदय है, ये कर्म की निर्जरा है आदि, लेकिन कर्म के उदय से होने वाले सुख और दुख में वो कर्म के उदय से होने वाले साता और असाता के उदय में सुख और दुख का वेदन नहीं करता, यानी हर्ष विषाद नहीं करता, उसमें लीन नहीं होता है, वेदना हुई भयंकर वेदना है अरे शरीर को है आत्मा को नहीं, और निरंकर ध्यान में लीन हो गए जैसे आचार्य वीरसार महाराज। एक उदाहरण याद आ जाता है,
एक महामुनि ऐसे ही साधु। देखिए साधु में भी हमेशा वो निरुक्तधारी नहीं रहते हैं, चर्या करते हैं, आहार को उठते हैं, प्रवचन भी करते हैं, ग्रंथ भी लिखते हैं, और ध्यान के समय एक दिन दो दिन एक घंटे दो घंटे महीनों वर्षों ध्यान करने में सक्षम भी होते हैं। ऐसे एक महामुनि मास उपवासी उपवास करके आहार को आए और एक लक्ष्मी नगर नाम का गांव, वहाँ एक पंडित सोम शर्मा पंडित अच्छे विद्वान थे। उन्होंने दिगंबर मुनि को आहार के समय देखकर भक्ति से उनका प्रणगहन किया, भक्ति से प्रणगहन करके तीन बजे प्रदक्षिणा दी और ले जाकर के अपने घर में चौके में उन्हें बिठाया, उच्चासन में बिठाया, और कुछ काम विशेष आ गया, एकदम वो चले गए। पत्नी से बोले आप आहार कराओ ठीक से। पत्नी को बहुत गुस्सा आई, यथवा तो गाली देना शुरू किया, क्या है बस भूखे हुए चले आए, कहीं भी नंगे फिरते हैं, लज्जा नहीं है, न स्नान है न कुछ है, ऐसे घृणित शरीर, भाग जाए यहाँ से। साधु ने ठीक है, वो अपने विहार कर गए, चले गए। उनको क्या उपवास हो गया, हो गया। इधर होता क्या है कि 7 दिन के अंदर ही उसे शरीर में सारे कुष्ठ निकल आया, सारा शरीर कुष्ठ से गलित हो गया, एकदम पीड़ित हो गया, भयंकर वेदना। प्राय देखा जाता है प्रथमान योग के उदाहरणों में, कथाओं में, कि मुनि निंदा करने वाले प्रायः कुष्ठ रोगी हो जाते हैं, कई अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। भगवंतों की आराधना करने वाले, मूर्ति की आराधना करने वाले, गुरुओं की निंदा करने वाले, आराधना करने वाले, शास्त्रों का अभिनय तिरस्कार करने वाले प्रायः देखा जाता है नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, मर करके तिरंजोनी में गई 2-3 बार। पुनः एक बहुत ही गरीब के यहाँ बालिका हुई और नाव चलाती थी, अपनी किशोरावस्था में, युवावस्था में नाव चला रही थी। नदी के किनारे एक महामुनि बैठे ध्यान कर रहे थे। वो एकदम जब किनारे आती है, नाव को एक तरफ लगा देती है घाट के पास में, और मुनि के पास पहुंचती कहती है, हे मुनिराज, हे साधु, मैंने कहीं आपको देखा है, ऐसा लगता मैंने कहीं आपको देखा है, बार बार कहती है। तो मुनि आँख खोलकर और अपने दिव्य ज्ञान से, अवधिक ज्ञान से जान कर कहते हैं, हाँ बेटी तूने देखा है, इसे 5वें भव पूर्व तू लक्ष्मीमती पंडित की, सोम शर्मा पंडित की लक्ष्मीमती नाम से पंडितानी थी, भार्या थी, पत्नी थी, और तूने आहार के समय जब पंडित ने प्रणगहन किया था तो तूने उनके बाहर चले जाने पर उन्हें अपमानित किया था, उन्हें ताड़ित किया था, अपराजित किया था, गालियां दी थी, तूने देखा है। मुस्कराए, बोले बेटी संसार में ऐसे ही कर्मों का फल जीव को भोगना पड़ता है, अच्छे और बुरे कर्मों का फल। निंदा तो निंदनीय की भी नहीं करना, किसी की भी नहीं करना चाहिए, और फिर जो साधुओं की, महासाधुओं की निंदा करते हैं उनको तो यही। वो रोने लग गई, भगवान अब मुझे इन पापों से छूटने का उपाय बताओ, आप ही मेरे रक्षक हैं, शरण हैं, गुरु हैं, माता है, पिता है, जो कुछ भी आप ही हैं, अब मुझे संसार के दुखों से छूटने का उपाय बताओ। गुरु ने उसे सांत्वना दी, बेटी चिंता मत कर, अब दुखने से, अब शोक करने से क्या होता है, अब तो आगे उपाय सोच और जो उपाय शक्य है वो कर, क्योंकि रुदन से पाप नहीं धुलेगा, प्रायश्चित से, व्रतों से शुद्धि होगी, आत्मा की शुद्धि होगी और आत्मा पवित्र बनेगी, एक दिन तू भी पवित्र बन जाएगी, आत्मा को पवित्र बना लेगी। तो गुरु ने उसे उपदेश दिया, सम्यक दर्शन का उपदेश दिया, तू मिथ्यात्व का त्याग कर दे बेटी, तू पंच अनुव्रत ग्रहण कर ले, हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, परिग्रह का प्रमाण आदि उसे पंच अनुव्रत समझाए और पंच अनुव्रत दे दिए। क्योंकि उसकी पर्याय में वो महाव्रत नहीं धारण कर सकती थी, चांडाल की कन्या थी, अनुवृत्ति बन गई और
अणुव्रत के प्रभाव से। आगे उसने अपना उत्थान किया और आगे चल करके अर्धचक्री की पटरानी हो गई। वहाँ भी दीक्षा लेकर के स्त्री पर्याय का छेद करके देवपद प्राप्त कर लिया। तो बात यही है कि संसार, ये संसार समुद्र, इसमें डूबते हुए को तिनके का सहारा है गुरुदेव, तिनके का सहारा है गुरुदेव। हाथ का अवलंबन कर निकालने वाले हैं, मोक्ष मार्ग में लगाने वाले हैं। बंधवो बंध मूलम, संसार के बंधु तो बंधन के मूल हैं, बंधन के कारण हैं। अशरण शरणम अशरणम, वो जिन्हों आप शरण समझते हो अशरण है। गुरु ही शरण है, गुरु ही रक्षक हैं, गुरु ही भगवान हैं, गुरु ही संसार से पार करके मोक्ष मार्ग में लगा करके संसार समुद्र से पार करके और मोक्ष तक सिद्ध शिला तक पहुँचाने वाले हैं। तो भव्यात्मा, ये समय सार महामुनियों के लिए आत्मा को परमात्मा बनाने का बहुत बड़ा साधन है, कारण है। और इससे पूर्व उन गुरुओं की वाणी मैं आपको बताऊं, श्री कुंदकुंद देव ने जैसे समय सार लिखा, प्रवचन सार लिखे, नियम सार, तो नियम सार में मुनियों के चारित्र का वर्णन है, व्यवहार और निश्चय चारित्र का वर्णन है। चौथी अध्याय में मुनियों के व्यवहार चारित्र का, 13 प्रकार के चारित्र का वर्णन है, और आगे के अध्यायों में निश्चय चारित्र, निर्कल ध्यान, निर्कल निश्चय, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि का वर्णन है। श्री कुंदकुंद देव के द्वारा रचित ही नियम सार, उसकी मैंने संस्कृत टीका भी की है, और पुरानी संस्कृत जो आचार्य की थी पद्मप्रभ मलधारी देव की, उनकी उसकी भी हिंदी की है। उसमें समयत का लक्षण आया है। देखिए समय सार में समयत का लक्षण आया है, भूयत्थे नाविगदा जीवा जीवाय पुण्यपावंच आदि, कि भूतार्थ से निश्चय निश्चय जाने गए जीव जीवादि पदार्थ नव तत्व, यही सम्यक है। और नियम सार में क्या लक्षण किया है, अत्तागम तत्चाणम सदय नादो हवई समत्तम, आप्त आगम, आप्त यानी सच्चे देव, और आगम यानी उनके द्वारा कथित आगम शास्त्र दिनवाणी और तत्व, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल आदि, इनका श्रद्धा सम्यक दर्शन है। और रहन सार लिखा है श्री कुंदकुंद देव ने, उसमें श्रावकों का धर्म है, मुनि भक्ति गुरु भक्ति, देव पूजा गुरु पास्ति का बहुत अच्छा विश्लेषण है, बहुत अच्छा विस्तार है। उसमें लिखा है देव और गुरु और समय शास्त्र, इनकी भक्ति, इनका इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो भव्यात्माओं, इन्हीं कुंदकुंद देव ने जो प्राकृत में भक्ति लिखी है, उनमें जो भक्ति रस समाविष्ट है, जो प्रभु महा आचार्य कुंदकुंद देव की भक्ति सिद्धों के प्रति, सुरत के प्रति, गुरुओं के प्रति, चारित्र के प्रति जो भक्ति झलकती है, एक अभूतपूर्व हाँ भक्ति पढ़े उनके द्वारा। कुंदकुंद का भक्ति राग मैंने पुस्तक एक बार लिखी है, निकली है, छपी है, वीर ज्ञानोदय ग्रंथमाला से प्रकाशित है, जिसमें श्री कुंदकुंद देव के द्वारा रचित भक्तियाँ और उनका पद्यानुवाद बहुत ही सुंदर है। हारिका रत्नमती माता जी उसको पढ़ा करती थी, उनकी प्रेरणा से ही मैंने उसका पद्यानुवाद किया था। भव्यात्माओं, और उन्होंने मुनियों के लिखा लिए लिखा है मूलाचार। मूलाचार में कितने प्रतिक्रमण हैं, कितना बार प्रत्याख्यान करना, कितनी बार देववंदना करना, सामायिक करना, कैसे करना, कितने कायोत्सर कब कहाँ कैसे करना आदि आदि, कृति कर्म आदि का वर्णन विस्तार से है। मुनियों की चर्या, हारिकाओं की चर्या। तो आप जौहरी की दुकान पर पहुँचेंगे, वहाँ हीरा मोती माणिक आदि दिखाए जाएंगे आपको, आप क्या पैसा खरीदो नहीं आगे बढ़ो। और सर्राफे के यहाँ जाएंगे, सर्राफ की दुकान पर, तो वहाँ आपको चांदी सोना आदि उसके गहने आदि नाना प्रकार के। आप अनाज की मंडी में जाएंगे तो वहाँ पर धान गेहूँ चावल आदि बोरियों में भरे। आप सब्जी मंडी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अनेक प्रकार की सब्जी, अनेक प्रकार के फल फ्रूट आदि सब दिखेंगे आपको। तो भव्यात्माओं, ये समय सार जौहर जवाहरात है, जवाहरात जौहरी की दुकान। इतना खरीदने की ताकत नहीं है तो आप चलें
स्वर्ण और चांदी आदि के गहनों को खरीदे, इतनी भी नहीं है तो आप कपड़े की दुकान पर पहुँचे। यानी आप अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तु खरीदते हैं, जो आपकी आवश्यकता है, जो आपकी योग्यता है, जितना पैसे आपके पास है। उसी प्रकार से जो पात्र जैसे हैं उनके लिए योग्य, सर्वप्रथम श्रावक धर्म रयण सार, श्री कुंद कुंद देव के द्वारा लिखा हुआ रयण सार, उसका स्वाध्याय अवश्य करें। हिंदी होकर प्रकाशित है। हमारी आरिका अभयमती माता जी ने भी उसका पद्यानुवाद बहुत सुंदर किया हुआ है, प्रकाशित है, छपा है। मूलाचार उसका स्वाध्याय करें। मैंने उसका हिंदी अनुवाद सन 75-76 में किया था, वसुनंदी आचार्य की टीका, संस्कृत टीका, उनकी भक्तियों का पाठ और उनका प्रवचन सार, नियम सार, समय सार आदि ग्रंथ। तो भव्यात्मा, पात्रता के अनुसार ही हमें और आपको वस्तुओं का चयन करना है और अपनी योग्यता के अनुसार अनुव्रत तथा महाव्रत ग्रहण करके मोक्ष मार्गी बनना है। यह समय सार एक न एक दिन हमारे और आपके जीवन में नियम से साकार होगा, यह निश्चित है। इस भाव में श्रद्धा करेंगे, इस भाव में भावना भाएंगे और पुनः आगे किसी न किसी भाव में निश्चित ही, अगले भाव में निश्चित ही देव योनि से छूटकर वहाँ से आकर मनुष्य, पुनः मनुष्य बन के निश्चित ही आत्मा के ध्यान में सक्षम हो जाएंगे, पर्वत की चोटी पर बैठकर ध्यान करने में सक्षम हो जाएंगे। तो यह आज की भावना, आज की भाई की भावना एक न एक दिन निश्चित सफल होगी। इसी प्रेरणा के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल।